लाइट थोड़ी जी मध्यम कर। थोड़ी जी मध्यम कर दियो लाइट। या अल्लाह। सलवात सारे मिल के मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह वासिउन करीम या अलीमुल हकीम इन्नका अला कुल शैन कदीर वसलातो वसलामु अला अशरफ लंबिया वल मुरसलीन व खातम नबीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सलाम व आले तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन वलानतुल्लाह अला आदाएहिम मलाउनीन अजमईन बेशुमार सुबह शाम ज़र्बे बेशुमार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल लरबिक वनहर इन शानिया का होवल अबतर सलवा करीम अल्लाह तमाम मोमिनीन सादात गैर सादात नो मौला मदद मार्फते आजादारी सैयदुश्शोहदा अता फरमा कायम आले मोहम्मद साईं दा मालिक जहूर जल्द फरमा सारे मोमिनीन नू आका दी ज़ियारत नसीब फरमा क्योंकि मौला दा दौर है आखरी हुज्जत दी मारफत बगैर कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं। बाकी अगर कोई दावा करे कि मैं कुरान नो समझ लिया दुनिया का कोई डॉक्टर कोई सकालर कोई आलिम कोई मुज्तहिद कोई जाकिर कोई मलंग अगर ये दावा करता है कि मैं कुरान नूं
समझ लिया। वो बिल्कुल झूठ है जो कुरान नो सिर्फ कुरान दे वारिस ही समझ सकते हैं। चूंकि महीना पाक साइन के नाम नाल मनसूब है, अय्याम पाक बतूल के नाम नाले अय्याम मशहूर हैं। मेरा हिस्सा हो जाए मालिक, इन्होंने पाक मिशन और भी तरक्की ता फरमाए, जिस तरह आले रसूल चाहते हैं इस तरह सानू आजादार मातमी और जाकिर बनन दी मौला तौफीक अता फरमाए। मैं आखा इंतजार खान भी मैनू चादर दे आऊं। नहीं, मैं एक मिसाल दें, मालिक तुहाडे बुजुर्गन शिफाए कामिल अता फरमाए। मैं एक दी एक गल करनी, हाजरी आई तो अजीज इन बड़े प्यारे मालिक उन्होंने इस मिशन होर तरक्की मजलिस ए पर्सन। मैं सिर्फ एक फिक्र दे के जा रहा, मैं चादर मंगी है तो यह जेब चू मैनू टॉफी कट के देवे, और जवाब उस सवाल के मुताबिक है, बोलो तो सही है। आस बिन वायल ने हुजूर नूं ताना दिता, तराए मसले हल हो सन। इस पहले जुमले च काफरां ताना दिता और काबे दी दीवार दी छां तले बह के अबू जेल नबी नूं प्यादा कि तू लावारिस है, हर कलमा पढ़न आले ते भी तो इतबार न करिया है, कोई कलमा पढ़ के भी नबी नू ला वारिस आखे तो अबू जहल तू काम नहीं है। पांच बंदियां गल नू समझिया, मैं गल खोलन दी आए ते ना मार जीए, मैं गल खोलनी जेड़ा नबी नू ला वारिस आखे भाई नबी दा कोई वारिस नहीं, ये अबू जहल दी सुन्नत है। समझ गए हो ना, तू ला वाल दे तेरी औलाद कोई आड़ी मेरी जबान ने जरा दिन फला बंदा औता रहे। समझ आ रही मार जी, एक काफर ताना दिता है कि तेरा वारिस कोई नहीं तेरी औलाद कोई। इस ताने तो बाद सारी जिंदगी नबी मुस्कराए नहीं, मुस्कराए कदा है जद जिबरील आख्या कि या रसूलुल्लाह मुबारक ने तुआडे घर अल्लाह दा हुस्न हसन दी शकल च आ गया। कायनात तू वड्डा जुमला मलंग दे दिता और तबीयत ना ही ठीक ते उन्हां दे बार बार इसरार ते पांच मिनट ही होवे मेरा ए हाजरी कबूल कर ले सोना ते मजलिस खान और पर्सन। मैं जी 15 जमा दी सानी इंशाअल्लाह ते वो जरूर पढ़ सा ते इस मौजू नू मुकम्मल करे सा, मैं तुसी याद दिवावण। हुण सिर्फ दुआ वास्ते तर्जमा सुन लियो, तशरीह सुन लियो, राजी बैठे हो। ते नबी अल्लाह नू आखिया कि मैन काफिर ताना देन देन कि तू ला वारिस है तेरी औलाद कोई नहीं। गल याद ही नहीं ना, मैं मंगी चादर है उन्ना टाफी दी थी तुना तुस आख्या नहीं नहीं ये जवाब सवाल दे मुताबिक नहीं ना। नबी आख्या आ दिन काफिर आ दिन तू ला वाल दिन तेरी औलाद कोई नहीं। तो अल्लाह आख्या इन्ना आता है ना कल कौसर, मैंने तुझे हौज कौसर अता किया। हौज कौसर है तो पानी, नबी नू त्रेत लगी ना भी नबी आख्या मैं तस्सा। नबी तो गल औलाद दी कीती ते मुसलमाना मुफस्सरीन ने हटा पानी देर दिता भई हकीकत न खुले। जेड़ा तर्जमा हौस दा कीता ने ना वो इस सूरत च लफज विखाओ मलंग दा कतल माफ है। लफज ही कोई नहीं जेदा तर्जमा हौस कीता ने, तभी तो घबरा तो नहीं गई।
नबी आखिया काफिरा दिन तू लावल दे अल्लाह फरमाए न घबरा इन्ना तैन कल कौसर मैंने तुझे बतूल अता की मैंने तुझे कौसर अता की जियो भाई या अली मौला मुश्किल पूछो औलाद एक कसीर मैं अल्लाह ने तेनू अता की थी इस रुकावट न उस जदों दुनिया खत्म हो सी वत भी तेरी औलाद बाकी रा तेरी औलाद जारी और सारी एक तो यह मसला हल हो गया कि कोई कलमा पढ़न वाला नबी नू ला वारिस आखे बे नबूअत का कोई वारिस नहीं आंदा तो अबू जेल है जिन्हें नहीं समझी मैनू डकाऊ हो भाई नबूअत का वारिस कोई नहीं आंदा कह आख्या आई अबू जेल आख्या काफर आख्या इन्हें दूजा मसला यह हल हो गया कि नबी नू अल्लाह फरमा दिता कि तेरी औलाद जा रही है ते जारी ओ होंदा जिस च रुकावट ना होए वो जिहड़ा केस दा सुन सुन के असा ही इब्तदा च पढ़दे आसे कि अली बादशाह दी बे औलाद दी आखिर नहीं अगर खुदा आख्या ना जारी तो वह जारी च इस खानदान च कोई बांझ नहीं हो सकती कुलसूमियून मिसर सैयदन वो सारे सैन की औलाद हैं चार बेटे सैन दे करबला शहीद हैं ते असाने बे औलादी नक्स है ते अल्लाह ने जात च नक्स रखे ही नहीं क्योंकि मैं मजलस पढ़न दे नहीं काबिल मैं तो हकीकत और फिक्र पहुँचावनी होंगी जेड़े चंद लोग हैं इस चीज़ दे ख्वाहिश मान देन उन्हें तक वो चीज़ पहुँच जाती दरूद पढ़ो मुहम्मद वाले मुहम्मद मालिक तुहानू ही सलामत रखे इज्जत शर्म भरम कायम फरमान ते बाकी मौजू जेड़ा मैं पंद्रन मुकम्मल करे सा मेरी तबीयत नहीं ठीक ते राजी हो तो मैं पुर कर देना सार सारे मिल के अल्लाहुम्मा सल्ले कोई पढ़न आला ही नहीं अल्लाह बाकी मौजू जेड़ा है ना ये सैयद जेड़ा है वह पूरा करे सी आ जा मुंतजर बाकी जेड़ा मेरा टाइम है ये पढ़ सी आ जा मैं आप जो आता पे तो जनरेटर इन्हें चलावन देवी तां पिछू कहीं जाके रामने सारे सारे नु मेरी तरफ या इली मदद ते मेरा टाइम है हुण सैयद पढ़ सी जो पीछे जाकर इन बंदूक तो कर ले उन्ना इन पढ़न कोई ना दे कौन नापी ला या मैं खलोमना ही था
ਟੇਕ ਜਾ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦਰ ਸਲਵਾਤ ਦੁਆਏ ਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਇਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਕੁੱਲੇ ਵਲੀ ਏ ਕਲ ਹੁਜਤ ਇਬਨ ਅਲਸਨ ਸਲਵਾਤੁ ਕਾਲਹੀ ਵਾਲਾ ਅਬਾਈ ਹੀ ਫੀ ਆਦੇ ਸਾਤ ਵਫੀ ਕੁੱਲੇ ਸਾਤ ਵਲੀਯਮ ਵਹਾਫਿਦਮ ਵਕਾਇਦਮ ਵਨਾਸਿਰਮ ਵਦਲੀਲਮ ਵਾਇਨਾ ਹੱਤਾ ਤੁਸਕਨਾ ਹੂ ਵੜ ਜ਼ਕਾਤੋ ਮਨ ਵਤ ਮੱਤਿਆ ਹੂ ਫੀ ਹਾ ਤਵੀਲਾ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ हमने तो माओ के दूध से पिया है या अली मदद हमने तो माओ के दूध से पिया है या अली मदद हमने बचपन में सुना है या अली मदद मोशन मेरी लहाद में मंजर अजीब था जब मैंने खुद या अली से कहा या अली मदद अऊज़ बिल्लाह इमन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिलज़ीन अस्तफ़ा खसूस अल्लाह मुहम्मद मुस्तफ़ा वाला अलैहि तय्यबीन अत्तैन अल-मासूमीन सलवात वलायत अली इब्न अबी तालिब हसनी फमन दाखल हसनी आमिन अमिन अजाबी वलायत अली इब्न अबी तालिब ऐसा मजबूत किला है जो भी इस किले में दाखिल हुआ अजाब इलाही से बच गया। अली की वलायत हम पर नहीं कायनात की हर चीज़ पर वाजिब है, जैसे कि नबाता हैवान इंसान सब पर वाजिब है, आसमानों पर ज़मीनों पर लोह पर कुर्सी पर बल्कि अंबिया पर भी वाजिब है, जैसे कि तेईस सपारे में खुदा इरशाद फरमा रहा है वसल मन अरसलना अली का मिन कबलिका मिन रसूलना ऐ मेरे हबीब इन नबियों से पूछ तुम्हें नबूवत कैसे मिली। एक शाम के बशिंदा ने मौला अली से पूछा मौला हमारे नबी तो आखिरी नबी है बाकी नबी गुजर चुके हैं यायत कब नाज़िल हुई। मौला ने फरमाया ऐ शख्स ऐलान कर अली आज ऐसे सवाल का जवाब दे रहा है जिसका सवाए खुदा को किसी के इल्म ही नहीं या मैं जानता हूँ या मेरा नबी जानता है। अब मौला ने फरमाया आयत पढ़ उसने आयत पढ़ी मौला ने फरमाया ये आयत न मक्का में न मदीना में न जंगलात में न पहाड़ों में ये आयत मेराज पर नाजिल हुई जब 1,25,000 नबी मुंतजिर थे बतूल के बाबे की ज्यारत के लिए तब अल्लाह ने कहा है मेरा भी बिन नबियों को दौड़ कर नमाज पढ़ा जहाँ अमल नबी इनका लक भी मिला जमात कराने के बाद कहा है मेरा हबीब इन नबियों से पूछ तुम्हें नबूवत कैसे मिली तो तमाम नबियों ने इकट्ठा जवाब दिया हमने तीन इकरार किए पहला इकरार अल्लाह की तौहीद का इकरार किया लेकिन नबूवत नहीं मिली फिर आपकी नबूवत और रिसालत का इकरार किया नबूवत नहीं मिली फिर हमने तीसरा इकरार वलायत अली का इकरार किया जब तक अली की वलायत का इकरार नबी ना करे तो नबूवत नहीं मिलती अली की वलायत के बगैर तुम्हें ईमान कैसे मिलेगा तुम मोमन कैसे होगे अली की वलायत के बगैर नबियों को नबूवत नहीं मिलती तेरी इबादत कैसे मुकम्मल होगी। ना वाकिफ पे किया वो गलियां दी ते जदा बेच बाजार दे आ गई कुल शिमर मजाज रिहाया दी वो मेरी सैन समझ मन छा गई ओ बोली ज़ैनब प्यो दे लहजे विच वो ते माहौल दी बदाल फिजा गई ओ पेशामी आ देनी एक बैकू क्यों ज़ैनब शाम च आ गई।